इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ने पिछले कई सालों में कई बड़े बदलाव देखे हैं और बदलाव हम इंडियंस को पसंद भी आते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। मैं आज लेकर आ चुका हूं उसी बदलाव पर एक वीडियो। आज मैं कोई रिव्यू कंपैरिजन नहीं लेकर आया हूं। आज मेरे पास में है TVS की XL 100 या हम ये कह लें मोपेड आ चुकी है। और अब आप सोच रहे होंगे कि इस मोपेड में क्या खास है। यहाँ पर आप देखेंगे इस मोपेड में दिया गया है अलॉय व्हील। अब आप सोच रहे होंगे कि कंपनी ने अलॉय व्हील के साथ में मोपेड कब लॉन्च कर दी। यह कंपनी ने मोपेड नहीं लॉन्च की है, लेकिन आपके पास एक बेहतर ऑप्शन लेकर आ चुका है क्वालिटी मास्टर। अगर आपको मॉडिफिकेशन कराना है, आप कुछ बेहतर चाहते हैं, तो आप अलॉय व्हील फिट कर सकते हैं। इसमें कितना खर्च आएगा और अगर आप इसमें अलॉय व्हील लगवाते हैं तो इसमें कौन से फायदे हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों वीडियो देखते हैं। सबसे पहले हम दिखाते हैं आपको इस अलॉय व्हील का अनबॉक्सिंग वीडियो। जैसा कि आप वीडियो के थंबनेल से समझ गए होंगे कि किस बारे में मैं ये वीडियो बना रहा हूं, तो इसके अंदर है अलॉय व्हील जो कि क्वालिटी मास्टर लेकर आ चुका है। कि अगर आप मॉडिफिकेशन कराना चाहते हैं अपनी TVS की XL 100 को, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं और इसके अंदर है अलॉय व्हील। तो फटाफट इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। तो काफी अच्छे से इसको कंपनी ने पैक किया है और जैसा आप ये देखेंगे तो ये बहुत ही जबरदस्त चीज है मुझे लगी, क्योंकि इससे पहले क्या है कि इसमें स्पोक व्हील आया करता था XL में, तो पैकिंग भी काफी अच्छी रखी है कंपनी ने। दो अलॉय व्हील्स एक साथ यहाँ पर पैक होके आते हैं जो पेयर होता है, तो वो आप देखेंगे पैकिंग भी काफी अच्छी है। अलॉय व्हील देखेंगे तो काफी अच्छे से डिजाइन किया गया है, वेल फिनिश्ड है। जो पेंट भी कंपनी ने यूज किया है वो काफी ज्यादा अच्छा है और ये लगने पे काफी जबरदस्त दिखाई देगा जब आप इसको मोपेड पे इंस्टॉल करेंगे, यानी TVS की XL 100 पे जब इंस्टॉल करेंगे तो काफी अच्छे से लुक आएगा और देखने में काफी ज्यादा अट्रैक्टिव ये लगेगा। अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके फायदे क्या क्या हैं। अगर आप अपने मोपेड में लगवाते हैं तो उसमें फायदा आपको क्या मिलेगा। देखिए ऐसा है कि स्पोक व्हील यहाँ पर कंपनी ऑफर करती है और कई बार क्या होता है कि जब आप खराब रास्तों पे चलाते हैं तो कहीं स्पोक टूट जाते हैं, जिसकी वजह से क्या है कि बैलेंसिंग प्रॉपर नहीं हो पाती है। अलॉय व्हील में क्या है कि जब अलॉय व्हील आप लगा होता है तो उसकी बैलेंसिंग प्रॉपर बनी रहती है और आप चाहे खराब रास्तों पे चलाएं या अच्छे रास्तों पे चलाएं, जो एक बैलेंसिंग है वो काफी बेहतर रहती है, जिसकी वजह से जो राइडिंग एक्सपीरियंस है वो काफी बेहतर रहता है। इसके साथ में क्या है कि लगभग 40-50% इसमें आप पे लोडिंग कैपेसिटी और बढ़ जाती है। मतलब ये है कि जितनी क्षमता व्हील्स पे है उतनी वहां स्पोक व्हील पे नहीं आती, तो ये मान के चलिए अगर आपकी आप लोडिंग पर्पस के लिए लेते हैं तो और बेहतर हो जाता है। इसके साथ में आप यहां पर देखेंगे काफी अट्रैक्टिव लुक आता है, कुछ नया देखने को मिलता है। जैसे आप यहां पर देख रहे हैं तो ये पूरी मोपेड काफी अलग नजर आ रही है, तो क्या है कि लुक वाइज भी काफी ज्यादा बेहतर हो जाती है। इसके साथ में अगर आप यहां पर अलॉय व्हील लगवाते हैं मोपेड में, तो क्या है कि मेंटेनेंस कॉस्ट जो है वो खत्म हो जाती है। जैसे जो तीलियां होती हैं वो टूट जाती हैं अक्सर, तो उसको आपको चेंज कराना पड़ता है, जिसकी वजह से क्या है कहीं ना कहीं आपको मेंटेनेंस कॉस्ट देनी पड़ जाती है और आपका टाइम भी बर्बाद होता है। उन सब चीजों से निजात दिलाने के लिए यहाँ पर एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है अलॉय व्हील का। बात आती है कि इसका कॉस्ट कितना है। इसका 5600 रुपीज अलॉय व्हील का MRP है और बाकी आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल सकता है। इसके साथ में जो इसकी फिटिंग कॉस्ट है, फिटिंग कॉस्ट एक माइनर सी आती है, जो कि आप किसी भी टायर की दुकान पे जाके जहाँ पंचर वगैरह बनवाते हैं वहाँ पर जाके आप इसको चेंज करा सकते हैं, जिसमें मामूली सा खर्चा आएगा। बस मेन कॉस्ट जो है वो अलॉय व्हील की है, जो कि 5600 रुपीज इसका MRP आ जाता है। इस मोपेड को सिर्फ लोडिंग पर्पस के लिए नहीं लेते हैं बल्कि डेली यूज के लिए भी इसको परचेज करते हैं। लोगों के दिमाग में ये आता था कि ये कुछ पुरानी जैसी दिखती है, तो कंपनी ने काफी कुछ बेहतर किया भी है। इसमें जो एक कमी रह गई थी कि यहाँ पर कंपनी सिर्फ स्पोक व्हील ही देती थी, तो वो यहाँ पर क्वालिटी मास्टर लेकर आ चुका है और आप उसमें चाहे तो थोड़ा सा इसको और स्टाइलिश बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा आप देखेंगे काफी खूबसूरत ये दिखाई दे रही है। काफी लोगों का कंफ्यूजन होगा कि ये सेल्फ वेरिएंट में लगेगा या नहीं लगेगा, या जो कंफर्ट वेरिएंट आता है सिंगल सीट वाला उसमें लगेगा या नहीं लगेगा। देखिए ऐसा है कि TVS XL 100 या हम ये कह लें मोपेड के जितने भी वेरिएंट्स आते हैं, वो चाहे सेल्फ वेरिएंट
वेरिएंट हो, नॉन सेल्फ हो, कम्फर्ट हो, या फिर आई टच स्पेशल एडिशन हो, या फिर नॉर्मल एडिशन हो, इन सभी में आप अलॉय व्हील को फिट करा सकते हैं, मॉडिफिकेशन करा सकते हैं। अगर आप अलॉय व्हील लेना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल मिल जाएगा, आप जाके नियरेस्ट जो डीलर होगा आप देख लीजिएगा। सो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया वीडियो को कर सकते हैं लाइक, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है व्लॉगर शुभम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।